पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पंडलायक आंजनेय कुमार सिंह की अध्यक्षता में एमडीए बोर्ड की 135वीं बैठक में इसके साथ ही कई प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो गए। बैठक में डीएम अमरोहा राजेश कुमार त्यागी, एमडीए वीसी शैलेश कुमार, एडीएम सत्यम मिश्र, अपर नगर आयुक्त अतुल कुमार, सचिव अंजू लता, संयुक्त नियोजक विवेक भास्कर, बोर्ड के सदस्य राजू कालरा और विकास जैन भी मौजूद रहे। मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने कहा कि प्राधिकरण ये सुनिश्चित करे कि नक्शा पास निजी डेवलपर किसी भी दशा में रेरा पंजीकरण के बिना योजनाएं संचालित न कर पाए। योजना पास कराकर निर्माण कार्य में देरी करने वाले बिल्डरों पर भी शिकंजा कसा जाए। रेरा रजिस्ट्रेशन क्रमांक प्रोजेक्ट के इश्तहारों और होर्डिंग पर अंकित होना चाहिए। शहर के सुनियोजित विकास के लिए प्रवर्तन कार्य में बरतने के साथ प्राधिकरण की कार्यप्रणाली को जन मैत्रिक और पारदर्शी बनाने पर भी जोर दिया जाए। बुद्धि विहार सेक्टर 2 के 30 एकड़ क्षेत्र में उद्यम विहार व्यवसायिक योजना विकसित की जाएगी, जिससे जिसके मुरादाबाद के डेवलपमेंट में बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। जो नई टाउनशिप डेवलप करने के बारे में, पहले तो आज बजट ही पेश हुआ मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का आगे, और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि पूंजीगत व्ययों में हम ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डेवलपमेंट के नए आयाम यहाँ पर आएंगे। दूसरा, नई जो टाउनशिप डेवलप करने के लिए है उसमें भी बोर्ड ने निर्णय किया है कि जो शासन से जितनी धनराशि आई है उसी के सापेक्ष हमारे प्राधिकरण से भी हम धनराशि लेकर उसको तेज़ी से डेवलप करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम उसकी आधारशिला भी रख लेंगे। और इसके साथ ही नया मुरादाबाद में एक थीम पार्क के साथ साथ कमर्शियल स्ट्रक्चर डेवलप करने जा रहा है, जिससे नया मुरादाबाद बहुत ही बेहतरीन जगह के तौर पर डेवलप होगा, लोगों के लिए रिक्रिएटिव होगा। हमने 2-3 और फैसले किए हैं जिसमें ग्रामीण हार्ट डेवलप करने का शहर में, जिसमें ग्रामीण अंचल से जो चीज़ें बनती हैं लोगों की रोज़मर्रा की चीज़ें उसको भी डेवलप करेंगे। और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में जो कांट रोड से मुरादाबाद दिल्ली रोड को जोड़ने वाली रोड है उसको तेज़ी से डेवलप करते हैं। उसके बगल में हम सर्विस लेन भी ले आएंगे जिससे कि कहीं उस सड़क पर दुर्घटना ना होने पावे। तो इसके समेत कई सारे निर्णय हुए हैं जिससे मुरादाबाद के डेवलपमेंट को नया आयाम मिलेगा, और मुझे लगता है चतुर्दिक जो डेवलपमेंट है वो वहाँ यहाँ पे होगा। सर, अगर विस्तार की बात करें मुरादाबाद की तो कितना विस्तार करने जा रहे हैं? देखिए, अभी इस बार की बैठक में गजरौला के लिए खासतौर पर गजरौला के एरिया का विस्तार करने का प्रपोजल पास हुआ है, जिसमें जहाँ मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की सीमा समाप्त होती है वहाँ से लेकर और गढ़ तक गजरौला का जो क्षेत्र है विकास प्राधिकरण का, उसको हम विस्तार दे रहे हैं। और इस उम्मीद के साथ कि भविष्य में अपने आप में एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी का की शक्ल लेगा और वहाँ पे डेवलपमेंट की बहुत सारी संभावनाएं हैं। इसके साथ ही जो डीएम अमरोहा के प्रस्ताव पर वहाँ पर जो ग्राम समाज की ज़मीन अवेलेबल कराई जाएगी, वहाँ आर्टिजन्स के लिए मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने सहमत दी है कि हम एक जो उनके डिस्प्ले के लिए एक पूरा शॉप्स का निर्माण करेंगे, जहाँ पे अपने चीज़ों का डिस्प्ले भी कर सकेंगे और एक तरीके से शोरूम जैसा वहाँ पे डेवलप करेंगे। ठीक है, मुरादाबाद की जनता से अपील क्या रहेगी सर? देखिए, अपील ये है कि एक चीज़ लोगों को समझ में आने वाली है। हम जब समीक्षा कर रहे थे उसमें ज़्यादा धनराशि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को आ रही है एनफोर्समेंट से, यानी शमन से, जो हम लोगों की बनाई बिल्डिंग्स का प्रशमन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि नक्शे पास करने के लिए लोग कम आ रहे हैं। एक निर्णय हमने ये भी लिया है, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, कि जो भी डेवलपमेंट हो रहा होगा, कॉलोनी का डेवलपमेंट करेंगे या कॉलोनी विकसित करेंगे, उनको बोर्ड लगाना पड़ेगा कि वो रेरा के द्वारा सर्टिफाइड हैं कि नहीं। अगर रेरा के द्वारा सर्टिफाइड नहीं होंगे तो उनको तुरंत उनका काम रोक दिया जाएगा, सील कर दिया जाएगा। ये हम इस लिए निर्णय हमने लिया ताकि लोग जो इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं अपने मकान या आवास बनाने के लिए या कोई किसी भी पर्पज़ के लिए, तो उनकी सुरक्षा हो सके। और सरकार का निर्देश भी है, तो अगर कोई कॉलोनी डेवलप कर रहा है तो वहाँ उसका बोर्ड लगाएगा। और जनता से अपील ये है कि बिना रेरा का अप्रूवल देखे किसी से भी कोई किसी तरीके का प्लॉट न खरीदें, ताकि वो सुरक्षित रहें, कल को उनका पैसा डूबने से बचे। लोगों से ये भी अपील करेंगे कि नक्शा पास कराने के लिए हम सारी सहूलियतें विकसित करने की का प्रयास कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नक्शा पास कराएं। यह चीज़ ठीक नहीं लगती कि हम इन्फोर्समेंट से यानी प्रशमन से लोगों को जा के जांच करें और उसके बाद लोगों को शुल्क जमा करना पड़े, तो पेनाल्टी भी लोगों को जमा करनी पड़ती है। जितना ज़्यादा नक्शा पास होगा, नक्शा पास होने का मतलब आपके शहर का बेहतर विकास,
और उस जो सारा पैसा जो आता है आपके मुरादाबाद शहर में जो डेवलपमेंट है उसमें ही लगाया जाता है। तो और क्योंकि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण किसी प्रॉफिट पे काम नहीं करता, जो पैसा आता है वो शहर के विकास में ही लगता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग नक्शे पास कराएं, जिससे कि जो शिकायतें आती हैं कि कोई हमारे यहाँ आ गया अगर नक्शा पास नहीं है करके वो वसूली कर रहा है, वसूली की शिकायतें आती हैं या फिर किसी तरीके की घुसखोरी की शिकायतें आती हैं, तो उसको भी हम लोग कायदे से उससे निपट सकेंगे। तो मैं अपील यही करूँगा कि सहयोग करें प्राधिकरण का, आप देखेंगे मुरादाबाद जल्दी ही एक बेहतर सिटी की तरफ डेवलप, बेहतर सिटी की तरह डेवलप। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।